हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज मैं लेकर आई हूँ आपके सामने कुछ सूट्स स्टिच किए हुए यूनिक स्टाइल में। आप अलग अलग शॉप से अलग अलग फैब्रिक्स लाके यूनिक यूनिक डिज़ाइंस के कैसे सूट्स स्टिच करवा सकते हैं, सो मैं आज बताऊँगी। सबसे पहला मेरा सूट है ऑरेंज कलर का। मैंने क्या किया है, फैब्रिक जो है, जो सूट का कपड़ा है, जो मैंने सूट का कपड़ा लिया है वो स्क्वायर शेप्स का डिज़ाइन है, उसके अंदर खजूर शेप का डिज़ाइन है। वो डिज़ाइन जो है बनारसी बूटे है, उसके अंदर ऑरेंज कलर है, वो थोड़ा लाइट ऑरेंज है। मैंने उसके ऊपर दुपट्टा जो है वो डार्क ऑरेंज में लिया है। और सबसे बड़ी बात, मेरा मिरर वर्क का दुपट्टा है, जो मिरर वर्क का दुपट्टा है वैसे ही मैंने सेम जो है लेस लिया है। लेस भी मेरा मिरर वर्क का है और मैंने लेस जो है फ्रॉक की एंड्स में लगाया और दुपट्टे के फोर साइड्स जो होते हैं उसमें मैंने लगाया है। ठीक है, आप देख सकते हैं मेरे फ्रॉक का कलर और लेस का कलर मैंने सेम रखा है, क्योंकि थोड़ा सेम दिखे और थोड़ा अच्छा दिखे। ये पार्टीज़ में, छोटी मोटी पार्टीज़ में भी पहन सकते हैं आप, थोड़े बड़े फंक्शंस में भी पहन सकते हैं। ठीक है, और मैंने इसका नेक का डिज़ाइन जो है एकदम सिंपल रखाया है। स्लीव्स जो है मेरा छोटी स्लीव्स रखा है, सिंपल रखा है, थोड़ा सिर्फ एंड्स में ही लेसेस लगाया है, क्योंकि इसका दुपट्टा जो है फुल वर्क मेरा वर्क वाला है और इसमें स्टिच भी किए हुए है, थोड़े वर्क भी है इसमें, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सूट को सिंपल रखा है। क्योंकि इसका दुपट्टा और सूट अगर दोनों हैवी कर देंगे तो ज़्यादा कलर कॉम्बिनेशन इतना खास जचेगा नहीं, इसलिए मैंने थोड़ा सिंपल रखा है। ठीक है, और मैंने इसके अंदर लेगिन लिया है ऑरेंज कलर का, जो मेरे सूट का कलर है वैसे ही मैंने लेगिन लिया है। और जो लेगिन है वही कलर, जो सूट है वही कलर मैंने लेस का लिया है और वही कलर में मैंने लेस का लेस लगाया है दुपट्टे के ऊपर। ठीक है, आप देख सकते हैं डार्क ऑरेंज है और थोड़ा मल्टी कलर का दुपट्टा है। इसको हम एक दो और ड्रेसेस पर अगर हम इसमें ब्लू कलर ले या गोल्डन कलर की कुर्ती पहने तो ये भी बहुत प्यारा लगेगा। ठीक है, मेरा सेकंड सूट है मैजेंटा कलर, जो कि मैंने, ये भी मेरा बनारसी फैब्रिक है। इसमें जो थोड़े इसमें सर्कल शेप के, ओवल शेप के राउंडेड में बनारसी वर्क दिया हुआ है। ठीक है, तो मैंने इसको क्या किया है, इसमें लेगिन जो है, पैंट प्लाजो जो है क्रीम कलर का रखा है, क्योंकि मैंने मल्टी कलर का दुपट्टा रखा है इसलिए क्रीम कलर का प्लाजो पैंट भी जाता है इसके अंदर। आप चाहे तो मैजेंटा कलर का लेगिन भी पहन सकते हैं, या शिमरी वाला भी लेगिंग्स जो आते हैं वो आप पहन सकते हैं। ठीक है, इसको मैंने एक साइड मैंने दो लेसेस लगाए हैं और दूसरे साइड भी मैंने दो लेसेस लगाए। एक साइड में एक चौड़ी वाली लेस लगाए हैं और छोटी वाली लेस लगाए है, दोनों मिरर लेस है। ठीक है, इसको नीचे भी लगाया मैंने और फिर दूसरे साइड से मैंने जो सूट का कपड़ा है उसका मैंने अपने दुपट्टे पे लगाया है। ठीक है, अब देखिए ये तीनों कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे जच रहे हैं, इसलिए मैंने क्या किया है, जो एंड्स है सूट के एंड्स पर मैंने लेस क्रीम कलर का रखा है और दुपट्टे भी मैंने क्रीम कलर का रखा है, क्योंकि मेरा पैंट प्लाजो जो है वो क्रीम कलर का है, तो इसमें थोड़ा अच्छा लग रहा है, ये थोड़ा अच्छा लुक दे रहा है। ये आप छोटे मोटे फंक्शंस में भी आप वेयर कर सकते हो। और नीचे भी मैंने पूरे चारों साइड से सूट के कपड़ा लेके उसको लेस बना के पूरे सूट पर मैंने उसे स्टिच किया है। ठीक है, और देखिए मेरा जो पैंट प्लाजो है वो भी एक नंबर लग रहा है इसके अंदर। आप चाहे तो इसमें अलग अलग डिज़ाइंस के मल्टी कलर के दुपट्टे के ऊपर आप अलग अलग सूट्स भी पहन सकते हैं। देखिए आप, मैंने फ्रॉक का ही डिज़ाइन लेके थोड़ा इसमें किया है। और मेरा जो नेक है, नेक का डिज़ाइन जो है मैंने सिंपल इसलिए रखा है क्योंकि मुझे ज़्यादा उसमें डिज़ाइन पसंद नहीं आ रहा था, इसीलिए मैंने उसको सिंपल रखा है। देखिए ये मल्टी कलर का दुपट्टा, एकदम सिंपल दुपट्टा आया था। मैंने इसको तीन लेस से कवर किया है क्योंकि ये सूट के साथ बहुत अच्छा जा रहा था, दैट्स व्हाई मैंने इसे इसमें थोड़ा लेस लगाया है। और मैंने छोटी लेस इसलिए लगाया है क्योंकि मेरे को जो मेरा मैजेंटा कलर का सूट है वो अलग ही, उसमें एक ऐसी बात है कि वो अलग ही उसमें हैवी लग रहा है, इसलिए मैंने उसको सिंपल सी लेस लगा के कंप्लीट किया है। ठीक है, आप देख सकते हैं पूरा, मैं सूट बताऊंगी। फ्रिल भी रखा है, दुपट्टे के अंदर ही आया था। ये मेरा थर्ड सूट है पिस्ता कलर का। अगेन मैंने इसमें तीन कलर का दुपट्टा, मल्टी कलर का दुपट्टा लिया है और फिर इसमें एक ही लेस लगाया है मैंने। ये एकदम सिंपल लुक दे रहा है इस वजह से। देखिए मेरे स्क्वायर शेप्स के उसके अंदर बूटे बने हुए हैं जो कि बनारसी हैं। ठीक है, अब ये जो है मेरा फ्रॉक का कलर जो है पिस्ता है, लाइट पिस्ता है। और मेरे दुपट्टे का कलर एक लाइट पिस्ता है, डार्क ग्रीनिश है और थोड़ा ब्राउन में भी जाता है या रेड भी बोल सकते हैं आप। ठीक है,
तो मैंने क्या किया है, लेसेस का कॉम्बिनेशन ज्वाइन करके मैंने सूट्स के एंड पर लगाया, सूट के मतलब टॉप के एंड पर लगाया। देखिए गोल गोल वाली भी लेस है, लास्ट वाली ये फर्स्ट और ये सेकेंड और बीच वाली थर्ड, और मैंने सेटिन का जो रिबन आता है वो भी मैंने इसको ज्वाइन करने की कोशिश किया है, इसलिए क्योंकि दुपट्टा और सूट थोड़ा मैचिंग जाए। देखिए वो थोड़ा गोल्डन कलर की मोती वाला लेस है, राउंड 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 जो लास्ट वाले में। इसका लेगिन मैंने पिस्ता कलर का रखा है, देख सकते हैं आप, पूरी ऊपर तक के मैंने लेस लगाया। और इसका जो स्लीव से इसका छोटा रखाया है, नेक का डिज़ाइन अगेन मैंने सिंपल रखा है, क्योंकि मुझे इसके अंदर अगर हम कुछ डालना चाहेंगे तो ये जो अपना बनारसी फैब्रिक जो है ये थोड़ा चुभने वाला रहता है, इसलिए हम इसमें ज़्यादा कुछ ऐड नहीं कर सकते, इसलिए मैंने सिंपल ही रखा है। और मुझे थोड़े सिंपल नेक डिज़ाइंस ज़्यादा पसंद है, या तो बोल दीजिए आप राउंड शेप का या स्क्वायर शेप का या वी शेप का गला। बस देखिए मैंने इसके अंदर मिरर लेस बहुत प्यारी लग रही है, जो कि इसके जो अंदर का फैब्रिक है, इसके सूट के अंदर का जो बनारसी फैब्रिक है उससे रिलेटेड है। ये मेरा फोर्थ सूट है, ये ग्लिटरी वाला सूट है, ग्रीनिश कलर का है, ये क्रीम कलर का मैंने इसके में दुपट्टा लिया है, और अगेन मैंने क्रीम कलर का पैंट प्लाजो लिया है। जो मेरा मैजेंटा कलर का प्लाजो है सेम यही वाला, वो एक ही प्लाजो है मेरा जो मैं दो टॉप के साथ वेयर कर सकती हूँ। देखिए मैंने इसकी लेस इस वजह से चुना है क्योंकि ये जो मेरा टॉप है इसका ग्लिटरी शाइन, ग्लिटरी इफेक्ट है, इसलिए मैंने ब्रॉड लेस लगाया ग्लिटरी डिज़ाइन की पूरे दुपट्टे में। मैंने बीच का दुपट्टा थोड़ा सिंपल रखा है, कुछ नहीं पैचेस वगैरह मैंने नहीं लगाया इसमें, क्योंकि मुझे इसमें सिंपल रखना था, क्योंकि इसका जो फ्रॉक है वो अलग ही अपने में ग्लिटरी इफेक्ट दे रहा है, इसलिए वो थोड़ा अजीब लगता था, दैट्स वाई मैंने इसको थोड़ा सिंपल रखा है। इसके नेक का डिज़ाइन भी मैंने सिंपल ही रखा है, स्लीव्स भी इसका छोटा ही रखा है, और जो मैंने दुपट्टे के चारों साइड्स मैंने लेसेस जो लगाया है, देखिए देख सकते हैं आप, चारों साइड है इसका दुपट्टा, ऐसे सिंपल ही आया था, मैंने इसे लेस लगाया है, वही लेस मैंने फ्रॉक की एंड पर लगाया है, और जो लेस का कलर है वही दुपट्टे का कलर है और पैंट प्लाजो का कलर है, ठीक है। मैंने पूरा ऊपर तक के लेस ये लगाया है, स्टिच किया है, और फिर आप देखिए ये जो है ये दोनों लेस का कलर भी जा रहा है हमारे पैंट प्लाजो के साथ। मैंने पैंट प्लाजो इसलिए भी इतना सिंपल रखा है क्योंकि ये जो फ्रॉक में है ये ऐसा लग रहा है कि मतलब ये कंप्लीट हो गया है, नहीं तो मैं अगर एकदम ही हैवी कर देती थी तीनों को तो इतना ख़ास लुक नहीं देता था, ठीक है। देख सकते हैं आप, ये बहुत प्यारा इसमें फ्लावर पैटर्न है, ये फ्लावर्स बने हुए सूट में। अगर आप चाहे तो इसमें अलग अलग कलर्स के भी फ्रॉक ले सकते हैं, ठीक है। देखिए पूरा नीचे तक के फ्रिल लगा हुआ है दुपट्टे पर। अब ये मेरा लास्ट सूट आ गया है पर्पल कलर का, जो मुझे बहुत प्यारा लगता है, मेरा फेवरेट सूट है ये। अब देखिए मैंने इसमें दो फैब्रिक, दो कपड़ा के कॉम्बिनेशन, कलर कॉम्बिनेशन मैंने यूज़ किया है। सबसे पहले तो मैंने पहला मटेरियल मेरा दुपट्टे का है, दुपट्टे में से ही मैंने सिर्फ मटेरियल लिया था, इसका कोई रेडीमेड दुपट्टा नहीं है, ये मैंने खुद से बनाया है। ये मेरा क्लॉथ जो सिंपल वाले जो मटेरियल्स था मैंने वो लिया है, तो उसी में से मैंने दुपट्टा और पेंट प्लाजो बनाया है। और मेरा जो सूट का डिज़ाइन है वो थोड़ा जो सर्कल सर्कल वाला डिज़ाइन है, मैंने उसी में से दुपट्टा और पेंट प्लाजो बनाया है। देखिए आप दुपट्टे के अंदर जो साइड साइड में इसमें मटेरियल में लेस आई थी उसको मैंने चारों साइड लगाया है, और थोड़ा नीचे उसका फ्रिल लगाया है, ठीक है। पेंट प्लाजो और दुपट्टा मेरा सेम है, सेम रखा है मैंने, क्योंकि ये बड़ी पार्टीज़ में भी आप पहन कर जा सकते हैं, बर्थडे फंक्शंस में भी पहन के जा सकते हैं। और मैंने एंड्स पर फ्रॉक की एंड पर लेस लगाया हाफ कर्व वाली, जो मैंने दुपट्टे पे ये लेस इसलिए नहीं लगाया क्योंकि दुपट्टा भी थोड़ा अलग ही शाइन कर रहा है, प्योर बनारसी है मेरा दुपट्टा। फ्रॉक के अंदर भी बूटे जो है सर्कल सर्कल वाले ये प्योर बनारसी है। मैंने इसका अगेन नेक जो है इसका सिंपल रखा है, स्लीव्स जो है छोटी रखा है, और इस हर सूट्स में मैंने अस्तर डाला है। आप सिलवाइए इसे, और प्लीज़ मेरी वीडियो को अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि आगे भी मैं बहुत अच्छे अच्छे सूट्स के डिज़ाइंस, DIY रिव्यूज़ मैं बहुत सारे लेके आने वाली हूँ आपके सामने, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कौन से आपने कलर कॉम्बिनेशन के सूट्स बनाया है। ये ब्राइड जो न्यूली वेड्स ब्राइड रहती है वो भी पहन सकती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए। बाय।